देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, इससे पहले लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि अगर हम सर्कल लेते हैं और सर्कल का सेंटर मार्क करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सर्कल के ऊपर हमने क्या किया था, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे, कॉर्ड्स लेकर फिर हमने उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वी मेड इट एंड द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द टू बाइसेक्टर वॉज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। बट हियर ऑल्सो द सेम थिंग वी आर कंटिन्यूइंग अगेन, देर इज ओनली वन एंड वन वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। दिस इज वॉट यू शुड अंडरस्टैंड, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। सी हियर, मान लीजिए वॉट डज इट मीन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर खड़े हो, तो देर आर सो मेनी वेज टू रीच दिस पॉइंट। सी, दिस कैन बी वन वे, ये एक तरीका हो सकता है, ऐसे भी आप जा सकते हो, ऐसे भी आप जा सकते हो, मगर अगर लेंथ पूछोगे आप तो लेंथ हमेशा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप खड़े हो तो ये वाला डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं लेंथ। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे हम बोलते हैं कि फिजिक्स में आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मगर जो शॉर्टेस्ट रूट होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट, यहाँ से जाने के लिए अलग, देयर मे बी सो मेनी रूट्स बट वी आर इंटरेस्टेड इन द शॉर्टेस्ट रूट, एंड शॉर्टेस्ट रूट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये होता है देर आर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, यहाँ पर दो कॉर्ड है ए बी और सी डी और दोनों की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, दोनों की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटर के अंदर से ये दोनों कॉर्ड सेम है, इफ द लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड्स आर सेम देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट, से एन है यहाँ पर और से एम है यहाँ पर, तो ओ एन और ओ एम इक्वल होगा। मान लीजिए अगर ए ए यूनिट है तो ये भी ए यूनिट होगा। सो वॉट इज इट, इफ द लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड्स आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। कॉर्ड्स की लंबाई अगर सेम है तो सेंटर से दूरी भी सेम होगा। या फिर अगर दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है और उनका अगर मान लीजिए अगर मैंने मुझे मिला कि दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और ये कॉर्ड की लंबाई सेम है, इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, इफ दिस टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर कॉर्ड्स की लंबाई सेम है तो सेंटर से उनकी दूरी सेम होगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए टू कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, ओके, तो इनका लेंथ अगर सेम है तो सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर ऑफ इक्वी लेंथ। इसका मतलब ये हो जाता है, व्हाट डज इट मीन, फॉर एग्जांपल दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, अगर सेंटर से इनकी दूरी सेम है तो इनकी लंबाई भी क्या होगा, ए बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ एन इक्वल टू ओ एम हो रहा है, और यहाँ पर इफ ओ एन इक्वल टू ओ एम है, इफ ओ एन इक्वल टू ओ एम है तो इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू सी डी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कॉर्ड्स की लंबाई सेम है तो डिस्टेंस सेम होगा और डिस्टेंस सेम है तो लंबाई सेम होगा। टू सर्कल्स विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट्स। हियर देर आर टू सर्कल्स, यू सी दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज द सेंटर एस, इन दर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन दर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। सी हियर, व्हेन द फिगर इज नॉट गिवन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर। सो व्हाट आई विल राइट हियर इज टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड एस
O and S, they intersect at points P and Q. At points P and Q, the distance between the points O and S is 4 centimeter. Now see, we can make general common inferences here. If this distance is x and total distance is 4, then this distance will be 4 minus x. RS is equal to x. If RS is equal to x, then OR will be equal to 4 minus x. Now see, here a right angle triangle will be formed in PRS and PRO. Here there is a formation of right angle triangle. Let us apply Pythagoras theorem and see. PRS, let me apply Pythagoras theorem. PS square is equal to PR square plus RS square. So PS square is 3 square, PR square I don't know, RS square is x square. So what I get is 9 minus x square is equal to PR square. 9 minus x square is PR square. Now again let me apply Pythagoras theorem here. In right angle triangle PRO, let us see what happens if I apply Pythagoras theorem. What I'll get is OP square is equal to OR square plus PR square. Here OP square is 5 square, OR square is 4 minus x whole square, and PR square I don't know. I have to calculate. तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 5 स्क्वायर इज 25, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये होगा. तो देखिए आप, फर्स्ट टर्म इज 4, हियर ऑल्सो फर्स्ट टर्म इज 4, x, दिस इज x एंड प्लस पी आर स्क्वायर. सो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 4 square is 16 minus 8x, 16 minus 8x plus 1x square plus PR square. तो 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर. अभी इसको अगर मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो 25 minus 16 will be equal to 9. 25 minus 16 will be equal to 9. Minus 8x को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो जाएगा plus 8x. और माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर. सी हियर, दिस आई विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर बी एंड दिस आई विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर ए. पहला वाले को हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर ए कहेंगे और दूसरे वाले को हम बी कहेंगे. सी, व्हेन यू सी द टू इक्वेशंस ए और बी, दोनों साइड में आरएचएस इक्वल टू आरएचएस है. अगर आर एच एस इक्वल टू आर एच एस है बच्चों, तो एल एच एस विल बी इक्वल टू एल एच एस. सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, व्हाट आई कैन से इज आर एच एस इक्वल टू आर एच एस है, इंप्लाइज एल एच एस इक्वल टू एल एच एस होगा. यानी व्हाट आई वांट टू से इज, मुझे क्या कहना है यहाँ पर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों, प्लस 9 माइनस 9 यहाँ आएगा तो कैंसिल होगा. तो वैल्यू मुझे मिलेगी 8x इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0. तो बच्चों नाउ आई गॉट x इज इक्वल टू 0, नाउ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन पी आर स्क्वायर. सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9. सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3. सो चिल्ड्रन नाउ आई गॉट द लेंथ ऑफ पी आर, आई वॉन्ट द लेंथ ऑफ पी क्यू. तो पी क्यू विल बी इक्वल टू
2 times of PR, and that is equal to how much? 2 into 3, and that is equal to 6 centimeter. So this is how you can solve it. तो हमने क्या किया यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम लिया, PRS यहाँ पर किया, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिया, यहाँ पर हमने किया, दोनों PRS PR square को equal बताया, और लास्ट में we got the required length of common chord. So this is how you have to